अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबको रमज़ान मुबारक। आज जो है वो मैं अपना सहरी से इफ्तारी तक का रूटीन शेयर कर रही हूँ। और सुबह जो है सहरी के टाइम पे बहुत ही कम टाइम होता है, इसलिए जल्दी जल्दी से जो है वो सहरी बनानी होती है। और अक्सर ऐसे ही होता है कि बच्चे उठ जाते हैं तो बस जल्दी से जो है वो सहरी बना के खानी होती है। तो ये मैंने थोड़ी सी कढ़ाई बनाई थी रात को, तो वो बच गई थी। और साथ में मैंने ऑमलेट बना लिया था और एक पराठा मैंने जो है वो फ्राई कर लिया था। साथ में सहरी में या तो चाय पी लेती हूँ या जो है वो स्मूदी बना लेती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल नहीं था तो बस मैंने सिंपल पानी पी लिया था। और ये बॉटल जो है वो मैं इफ्तारी के बाद अपने साथ ही रखती हूँ, थोड़ा थोड़ा उसमें से पीती जाती हूँ। अच्छे सहरी करके जो है वो नमाज़ पढ़ के जो है अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं सो जाती हूँ, वरना अगर जैसे मिशाल को स्कूल जाना होता है तो फिर नहीं सोती। लेकिन आज टाइम था तो मैं थोड़ी देर सो गई थी। उसके बाद जो है उठ गए थे बच्चे, तो थोड़ी देर ही सो पाई मैं, बस बच्चे उठ गए थे। तो सुबह जो है तकरीबन 7 बजे 8 बजे के करीब उठ जाते हैं, तो फिर उनको देखना होता है, उनको नाश्ता वगैरह देना होता है। वैसे तो मिशाल स्कूल जाती है, तो जिस दिन स्कूल जाती है तो उस दिन मैं जागती रहती हूँ, लेकिन ये कि आज जो है वो छुट्टी थी मिशाल की, तो इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ी देर लेट जाती हूँ। तो बच्चों को नाश्ते में जो है वो मैं आज बना रही हूँ पैनकेक्स। ये मेरे पास पहले से ऑलरेडी मिक्स पड़ा हुआ था, तो बस मैंने उसी को पानी डाल के और पेस्ट बना के जो है वो पैनकेक्स बना लिए थे। ऊपर थोड़ी सी मैंने वाइट चॉकलेट चिप्स जो होते हैं वो ऐड कर दिए थे, और थोड़ा सा ऊपर से स्प्रिंकल्स डाल दिए थे। तो बच्चे जो हैं खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि वो भाई अच्छी चीज़ है। और साथ में थोड़ा सा फ्रूट मैंने दे दिया था और क्रीम दे दी थी, तो उसी में डिप करके खा रहे थे दोनों। और साथ में वाटर बॉटल दे दी थी मिशाल को। कभी कभी मैं थोड़ा सा पानी में जूस डाल के दे देती हूँ, तो वो शौक से जो है वो पानी पी लेती। नाश्ते के बाद जो है बच्चों को मैंने तैयार कर दिया था, और बच्चे जो है अपना खेल रहे थे, मसरूफ़ थे। तो मुझे थोड़े से काम भी करने थे घर के, वो मैंने कर लिए थे। और मुझे जाना था बाहर, कुछ चीज़ें लेनी थी। मिशाल जो है अब स्कूल जाने लगी हैं, तो उनकी कुछ चीज़ें नई मुझे ख़रीदनी थी, और नुआ के लिए भी कुछ चीज़ें लेनी थी। तो मैं सोचा इन लोगों को ज़रा देख लूँ, थोड़ा नाश्ता वगैरह करा दूँ, उसके बाद जो है मैं निकलती हूँ। तो ये सुबह का टाइम मेरे लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं फ़्रेश होते हैं, इतनी देर में मैं होके भी आ जाती हूँ और ये लोग अपना खेलते रहते हैं। तो मैं जा रही हूँ टारगेट, और घर के काफ़ी करीब है, तो ज़्यादा 5-10 मिनट की ड्राइव है। अच्छा, अब हमारी जो बच्चों की वाली स्टेज आ गई ना, कि बच्चे को एक को जो चाहिए होता है ना वही दूसरे को भी चाहिए होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ दोनों को तकरीबन एक जैसी ही चीज़ बाय करूँ, तो लड़ाइयाँ फिर कम होती हैं। तो अभी जो है वो मिशाल के मुझे लंच बॉक्स लेना था और वाटर बॉटल स्कूल के लिए लेनी थी, तो बस मैं वही चेक कर रही थी। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आई हुई थी, क्योंकि समर स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके हिसाब से काफ़ी स्टफ़ जो था वो समर्स के हिसाब से था। तो मिशाल को आजकल जो है वो प्रिंसेस और इन सब चीज़ों का शौक है, तो वो मैंने ले लिया था। और साथ में जो है कुछ बार्स लेनी थी बच्चों के लिए। ये वाला ब्रांड जो है बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, नेचर जो बेकरी होता है उसका, इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं और फिर सेल भी काफ़ी थी, तो इसलिए मैंने ये बाय कर लिया था। ये एक बात अच्छी है कि इधर जो है वो आप ग्रॉसरी भी ख़रीद सकते हैं, बच्चों के कपड़े भी ख़रीद सकते हैं। मतलब एक तरह का पूरा जो है सुपर स्टोर है, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है। और हम जो है ना वो यहीं से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बाय कर लेते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्को से बाय करते हैं। तो आज मुझे बच्चों के कपड़े भी देखने थे, तो नुआ की टी शर्ट्स मुझे लेनी थी, उसकी पैंट्स तो काफ़ी सारी रखी थी। तो मैं इसी तरह करती हूँ कि 2-3 पैंट्स और 2-3 शर्ट्स ले लेती हूँ, और फिर उनको मिक्स एंड मैच करके पहना लेती हूँ, क्योंकि इसका साइज़ बहुत जल्दी बढ़ जाता है। इसकी हाइट माशाल्लाह बहुत जल्दी बढ़ रही है, तो मैं इतने ज़्यादा महंगे कपड़े नहीं ख़रीदती। तो मिशाल का फिर भी ये है कि अब उसकी थोड़ी हाइट जो है वो थोड़े थोड़े अरसे में बढ़ती है, लेकिन नुआ की तो बहुत जल्दी जो है साइज़ चेंज हो जाता है। तो आपको मैं दिखा देती हूँ कि क्या क्या बाय किया था। एक ये मैंने स्ट्रेनर ली थी, मुझे जो है छोटे साइज़ की चाहिए थी, जैसे कुछ छोटा मोटा जो है वो स्ट्रेन करना होता है कैन वगैरह, तो उसके लिए मैंने सेट ले लिया था। इसमें 3 तरह की थी, और एक साथ में जो है वो एक मुझे चिमटा चाहिए था ऐसा, जो कि मतलब चीज़ें पलटने के लिए चाहिए था, लेकिन उससे स्क्रैचेस वगैरह ना पड़े, तो इसलिए मैंने ये सिलिकॉन वाला लिया था। दोनों बच्चों के लिए एक एक वाटर बॉटल ले ली थी, तो यही वाली बॉटल जो है मिशाल स्कूल भी ले जाती हैं। तो एक जो है वो पॉ पेट्रोल वाली ले ली थी, और एक जो है प्रिंसेस वाली थी, और एक जो है वो लंच बॉक्स लिया था। ये एक्चुअली लंच बैग था, तो इसके अंदर ही मैं लंच जब स्कूल जाती है तो रख के देती हूँ, और एक लंच बॉक्स ले लिया था मैंने। तो ये काफ़ी अच्छा था, उसके अंदर काफ़ी स्पेस थी, इसलिए मुझे अच्छा लगा। और आजकल जो है गर्मी भी ज़्यादा हो गई है हमारे यहाँ, तो समर स्टार्ट हो गए हैं, तो उस हिसाब से मैंने दोनों के लिए एक कैप ले ली थी,
मिशाल को फ्रोजन पसंद है तो वो ले ली थी, नोआ का भी इतना इंटरेस्ट नहीं है तो बस मैंने ऐसी ले ली थी। अच्छा, नोआ के लिए मैंने 3 शर्ट्स ली थी, एक थोड़ी डार्क कलर की थी और 2 जो है लाइट कलर्स में ले ली थी। इनका कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट था और मुझे जो है वो धोने के बाद भी ना कोई ऐसा मसला नहीं होता। हमेशा मैं कपड़े यहाँ से बाय करती हूँ बच्चों के, और जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं काफ़ी अर्से तक ना, काफ़ी दफ़ा धुल के भी सही रहते हैं। तो ये 3 मैंने शर्ट्स नोआ के लिए ले ली थी। दोनों बच्चों के लिए मैंने एक एक सनग्लासेस ले लिए थे, ऐसी फैशन सनग्लासेस थे, बच्चों को बड़े पसंद होते हैं। और साथ में जो है वो बार्स ले ली थी बच्चों के। बच्चे जो हैं सो गए थे तो मैंने अब तैयारी शुरू कर दी थी, तो अभी मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर लेती हूँ, वरना ये कि एंड टाइम तक फिर टाइम नहीं होता। तो आज मैं सबसे पहले बना रही हूँ कीमा मैक्रोनी, और जो कीमा मैं बना रही हूँ उसको जो है और चीज़ों में भी मैं यूज़ करूँगी, तो मैं भी आपको साथ साथ दिखाती जाती हूँ। तो अभी बस मैंने प्याज ब्राउन की है, उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और अभी 1 किलो मैंने इसके अंदर कीमा डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से मैंने भून लिया है। उसके बाद इसके अंदर स्पाइसेस वगैरह ऐड करूँगी। इसमें जिंजर गार्लिक का मैं जो हूँ पाउडर डाल रही हूँ, लाल मिर्चें, थोड़ा सा जीरे का पाउडर और धनिया पाउडर और नमक, और उसके बाद जो इसको मैंने भूनने के लिए चढ़ा दिया है। अच्छा, जब तक जो है वो कीमा जो है थोड़ा सा भुन रहा है तो मैं दूसरी तरफ बूंदियाँ बना रही हूँ। तो मैं जो हूँ मीठे दही बड़े बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने बेसन जो है वो पहले से भिगा दिया था, और हाफ बेसन के मैं पकोड़े बना लूँगी, हाफ के जो है वो फुलकियाँ बना। अच्छा, मैंने माश की दाल के दही बड़े भी बनाए थे और काफ़ी सारी रेसिपीज़ वगैरह शेयर की थी, तो रमज़ान की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो उसके अंदर काफ़ी रेसिपीज़ हैं और ब्लॉग्स हैं, आप उधर से चेक कर लें। अभी जो है वो बस मैं दही फेंट रही हूँ, उसके अंदर थोड़ी सी मैं डालने लगी हूँ चीनी, और चीनी डाल के जो है सारे थोड़े से स्पाइसेस ऐड करी हूँ, चाट मसाला, थोड़ा सा नमक और ज़ीरा पिसा हुआ जो होता है वो डाल के, और अब इसमें बूंदियाँ जो है मैंने पानी में थोड़ी देर भिगा दी थी ताकि सॉफ्ट हो जाए, और उसके बाद इसमें ऐड कर दी हैं मैंने। और अब जो है वो कीमा अच्छी तरीके से भुन गया है, अब इसमें बाकी चीज़ें डाल रही हूँ। इसमें मैंने जो है वो केचप ऐड किया है, थोड़ा सा सोया सॉस और चिली सॉस। उसके बाद जो है इसके अंदर मैं सारी सब्ज़ियाँ वगैरह डालूंगी, तो उसके अंदर मैं डाल रही हूँ गाजर और बेल पेपर, मैंने जो है इसको छोटा छोटा चकोर क्यूब्स में काट लिया था। और उसके बाद जो है इसके अंदर गोभी डाल दी है, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हाफ जो कीमा था वो मैंने अलग कर लिया था, मैं बनाऊँगी कीमे वाली पेटीज, और दूसरे में जो है वो मैंने बॉयल करके मैक्रोनीस ऐड कर लिए थे, और उनको मिक्स करके जो है वो तो मैंने थोड़ा सा जो है और मसाले वगैरह ऐड कर दिए थे ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इसके अलावा इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पार्मेजान चीज़ और साथ में ओरिगानो, उससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और डाल के इसको मैंने 10 मिनट के लिए जो है दम कर दिया था। अच्छा, फ्रूट चाट जो है ना हमारे यहाँ रेगुलर ही बनती है, तो अभी बस मैं जल्दी से फ्रूट चाट बना रही थी। जो भी फ्रूट्स होते हैं बस उनकी मैं चाट बना लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा चाट मसाला, शुगर और ऑरेंज जूस और लेमन जूस निचोड़ के अच्छी तरीके से जो है मिक्स कर लेती हूँ उसको, और ठंडी ठंडी जो है ना ये ज़रूर खाते हैं हम लोग अफ्तार में। अच्छा, कीमे को थोड़ी देर मैंने ठंडा होने दिया था, उसके बाद अब इसकी मैं पेटीज़ बना रही हूँ। तो ये मेरे पास पफ पेस्ट्री थी, रेडीमेड थी, तो ये ऑलरेडी स्क्वायर शेप में ही थी, तो बस इसके अंदर मैं फिलिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं जो हूँ वो कीमे की लेयर लगा रही हूँ सब पेटीज़ में, और उसके बाद ऊपर से इसके मैं डाल रही हूँ चीज़। यहाँ पे जो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ वो चेडर और मोज़रेला, दोनों मिक्स थी तो थोड़ी थोड़ी थी, तो मिक्स ही मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसको डालने के बाद जो है इसको बंद कर दूँगी। मैं जो शेप बना रही हूँ वो ट्रायंगल शेप का बना रही हूँ, तो उसी तरह ही मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ इसको। इस तरह पीसेस में काट भी सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल की बन सकती हैं, और मैं जो हूँ आज ट्रायंगल शेप में ही बना रही हूँ। उसके बाद मैंने किया था कि फ़ोर्क लेके और सारे जो इसके किनारे हैं उनको सील कर लिया था अच्छी तरीके से, ताकि मसाला जो है वो बाहर ना निकले। और ये ऑप्शनल है, अगर जैसे आप चाहें तो मैंने इसके ऊपर भी कट्स लगाए थे, आप वो नहीं लगाएं और डायरेक्ट इसको बेक कर लें तो बहुत ही फूली हुई बनती हैं, तो मुझे ज़्यादा फुलाना नहीं था इसलिए मैंने ऊपर से थोड़ा सा नाइफ से कट्स लगा दिए थे। और उसके बाद जो है इसके ऊपर मैंने एग वॉश लगा दिया था अच्छी तरीके से ब्रश के साथ, ताकि ये बहुत क्रिस्पी बनती हैं इससे और बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। एग वॉश लगाने के बाद इसको मैंने जो है प्री हीटेड ओवन में रखा था 375 के करीब, 350 और 375 के बीच में ही रखा था मैंने, और तकरीबन 20-25 मिनट्स में हो गई थी। उसके बाद इसको मैंने जो है वो ग्रिल कर लिया था थोड़ी देर, ताकि ऊपर से जो क्रिस्पी लेयर आती है ना वो ग्रिल करने से ही आती है। तो मैंने जो है बच्चों के लिए अलग बनाए थे चीज़ वाले, और हमारे लिए जो है वो कीमे वाले थे, इसलिए दोनों को अलग मैंने जो है वो बेक किया था। और साथ में जो है थोड़े से पकोड़े भी मैंने फ्राई कर लिए थे, और प्याज के थे ये पकोड़े।
आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नई है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।